हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन आंगन के बारे में। ड्रामा सीरियल मन आंगन ERY डिजिटल पे लगने वाला एक फैमिली ड्रामा है। इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह इस ड्रामे की शानदार कास्ट है। इस ड्रामे में अनमोल बलोच और मिर्ज़ा ज़ैन बेग लीड रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से शानदार अदाकार अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अदाकारा शाजिल शौकत, अदनान समद खान, सिमी पाशा, आलिया अली और इमरान अशरफ जैसे कामयाब अदाकार शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल मन आंगन में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकारों की असली जिंदगी के हैरान कन हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे अदाकारा अनमोल बलोच की। अनमोल बलोच एक बासलाहियत और मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है, जिन्होंने ड्रामा सीरियल कुर्बते और एक लड़की आमसी में अपने किरदार से शोहरत हासिल की। अदाकारा अनमोल बलोच 13 जनवरी 1992 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त उनकी उम्र 31 साल है। वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रिहाइश पजीर है। अदाकारा अनमोल बलोच अभी सिंगल है और ना ही इनके अफेयर की कोई खबर सामने आई है। इनकी जोड़ी अदाकार ज़ैन बेग के साथ बहुत पसंद की जा रही है। इनकी फैमिली में इनके अलावा किसी का ताल्लुक शोबे से नहीं है। अदाकारा अनमोल बलोच ने 2016 में शोबिस ज्वाइन किया और अब तक 18 पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ज़ैन बेग की। हैंडसम और मल्टी टैलेंटेड ज़ैन बेग, जो कि शोबिस के एक कामयाब और पसंदीदा अदाकार और मॉडल हैं। इन्होंने 2016 में शोबिस ज्वाइन किया और ड्रामा सीरियल मलाले यार से शोहरत हासिल की। इनकी उम्र इस वक्त 33 साल हो चुकी है और 12 जनवरी 1990 को कराची में पैदा हुए। इनकी फैमिली में इनके अलावा किसी का ताल्लुक भी शोबे से नहीं है। ज़ैन बेग असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। इन्होंने अभी तक अपनी बीवी की तस्वीर शेयर नहीं की। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो अब तक 24 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे बात करेंगे शाजिल शौकत की। खूबसूरत, नौजवान और मल्टी टैलेंटेड अदाकारा शाजिल शौकत अपने नेगेटिव किरदारों के लिए मशहूर हैं। वो एक बेहतरीन अदाकारा और मॉडल हैं। इन्होंने ड्रामा सीरियल पाकीज़ा पुप्पो से अपने टीवी कैरियर का आगाज किया। अदाकारा शाजिल शौकत 24 मई 1997 को पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 25 ईयर हो चुकी है। अदाकारा शाजिल शौकत अभी अनमैरिड हैं और ना ही इनकी अफेयर की कोई खबर सामने आई है। इनका ताल्लुक एक मॉडर्न फैमिली से है। इनकी फैमिली कनाडा में रिहाइश पजीर है, जबकि वो अपने कैरियर की वजह से कराची में रहती हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे अदाकार अदनान समद खान की। अदनान समद खान एक अच्छे पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। इन्होंने ड्रामा सीरियल एहदे वफा में अपने किरदार से शोहरत हासिल की, जिसमें बेहतरीन अदाकारी की वजह से वो अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। इनकी शादी अभी नहीं हुई। अदाकार अदनान समद खान 25 मार्च को दौसा शरीफ में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 27 साल है। इनकी फैमिली दौसा में रिहाइश पजीर है, जबकि वो अपने कैरियर की वजह से कराची में रहती हैं। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे इमरान असलम की। इमरान असलम जो कि बेहतरीन अदाकार और फिल्म स्टार हैं और ज़्यादातर नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। वो 8 जुलाई 1981 को कराची में पैदा हुए और इस वक्त उनकी उम्र 41 साल है। अदाकार इमरान असलम हकीकी ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी 2011 में सना इमरान असलम से हुई और अब वो दो बच्चों के बाप हैं। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। इनकी फैमिली में किसी का ताल्लुक शोबे से नहीं है। इन्होंने 2007 में शोबे ज्वाइन किया और अब तक 47 से ज़्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। छठे नंबर पे हम बात करेंगे राहीब मोहम्मद आलम की। मशहूर अदाकार, मॉडल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राहीब मोहम्मद आलम भी इस ड्रामे का हिस्सा हैं। ये बहुत से कामयाब ड्रामों का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी उम्र इस वक्त 34 ईयर हो चुकी है और वो 31 अक्टूबर 1988 को कराची में पैदा हुए। ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी खूबसूरत बीवी का ताल्लुक शोबे से नहीं है। वो तीन बच्चों के
बाप भी बन चुके हैं। इन्होंने 2010 में शोबिज को ज्वाइन किया और अब तक 40 से ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। साथ ही नंबर पे हम बात करेंगे आलिया अली की। आलिया अली एक खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा और मॉडल है। इन्होंने ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है से शोहरत हासिल की। अदाकारा आलिया अली 22 फरवरी 1989 को लाहौर में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 32 ईयर है। इनकी शादी अभी नहीं हुई। इन्होंने 2010 में शोबिज ज्वाइन किया और बहुत से कामयाब ड्रामों का हिस्सा भी बन चुकी हैं। इसके अलावा वो अपना कपड़ों का ब्रांड भी चला रही हैं। आठवें नंबर पे हम बात करेंगे अरीज चौधरी की। अरीज चौधरी पाकिस्तान शोबिज की एक नई उभरती हुई अदाकारा और मॉडल है। इनके बारे में आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो 2020 में मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, जो इनकी वजह मकबूलियत बना। अदाकारा अरीज चौधरी अभी सिंगल हैं। इनकी फैमिली का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और इनकी फैमिली में कोई भी शोबे से ताल्लुक नहीं रखता। इनकी उम्र इस वक्त 25 ईयर है और वो 7 मई 1997 को इस्लामाबाद में पैदा हुई। 9 नंबर पे हम बात करेंगे सिमी पाशा की। सीनियर अदाकारा सिमी पाशा एक बासलाहियत टीवी अदाकारा, फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। वो तवील अरसे से शोबिज का हिस्सा हैं। सिमी पाशा 2 बच्चों की दादी भी बन चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी देखने में काफ़ी जवान नजर आती हैं। इनकी उम्र इस वक्त 62 ईयर हो चुकी है और वो लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। सिमी पाशा 2 बच्चों की माँ हैं। वो अब तक बेशुमार ड्रामों का हिस्सा बन चुकी हैं। इसके अलावा वो फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 10 नंबर पे हम बात करेंगे किंजा मलिक की। इस शानदार अदाकारी और दिलकश पर्सनैलिटी की मालिक सीनियर अदाकार किंजा मलिक भी ड्रामे का हिस्सा हैं। वो काफ़ी अरसे से शोबिज का हिस्सा हैं। इन्होंने 1990 में शोबिज को ज्वाइन किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से कई कामयाब ड्रामों का हिस्सा बनी। अदाकारा किंजा मलिक शादीशुदा हैं और वो 2 बच्चों की माँ हैं। आपको ड्रामा सीरियल मनागन कैसा लगता है और इन अदाकारों में आपका फेवरेट कौन सा अदाकार है, कमेंट में मुझे बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।